एनकाउंटर की वड्डी खबर सामने आ रही है। वड्डा पुलिस एनकाउंटर, बदमाशां समेत पुलिस मुलाजम दे लगी गोली, सारयां दी हालत गंभीर। फिर तो एक वड्डी खबर सामने आ रही है जिस च पुलिस का बदमाशां नाल एनकाउंटर होया है। तो इस एनकाउंटर के दौरान तीन बदमाशां दे समेत एक पुलिस मुलाजम दे भी गोलियां लगन की खबर सामने आ रही है। पुलिस वालों बदमाशां ते गैंगस्टरां ते नत्थ पाउण लई हर कोशिश की जा रही है। तो इस कोशिश च पुलिस इन्हां दा एनकाउंटर करन तो भी हुण पिछे नहीं हट रही है। जानकारी अनुसार हरियाणा ग्रेटर फरीदाबाद के सैक्टर 78 BPTP इलाके विच बीती रात करीब 9:30 6 नौजवान एक वैन विच सवार होकर जा रहे थे। पुलिस ने उन्होंने पूछगिछ लई रोकिया तो वैन च सवार नौजवानों ने पुलिस ते गोलियां चला दित्तियां। बदमाशां ने पुलिस ते कई राउंड फायर किए। इस विच एक गोली हौलदार सुमित नूं लगी। इस तो बाद पुलिस ने भी जवाबी गोलीबारी की। पुलिस फायरिंग विच तीन बदमाशों की लत्त विच गोली लगन कारण वह फटड़ हो गए। उन्होंने मुढ़ली सहायता लई फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल हस्पताल भेजा गया। हालत गंभीर होने के चलद उतों उन्होंने दिल्ली के सफदरगंज हस्पताल रैफर कर दिया गया, जबकि जख्मी पुलिस मुलाजम सुमित का निजी हस्पताल इलाज चल रहा है। सूत्रों मुताबिक बदमाश लुट की वारदात कारण फरीदाबाद पहुंचे से, पर इस तो पहला ही उन्हों का पुलिस नाल एनकाउंटर हो गया। तीनों जख्मी बदमाश UP के रहने वाले हैं। इन्हों बदमाशों को पुलिस ने नजायज़ असला भी बरामद किया। इन्हों चो तीन बदमाश वैन में बैठ के फरार हो गए। पुलिस उन्हों की भाल कर रही है। हुण तक की जांच पुलिस को पता लगा है कि यह सारे बदमाश उत्तर प्रदेश के मोदी नगर तो फरीदाबाद लुट की वारदात को अंजाम देने आए थे। फड़े गए बदमाशों की पछाण दीपक, आकाश और मोन्टी के तौर पर हुई है। बाकी पुलिस वालों भजे बदमाशों की भाल की जा रही है। तो यह सी इस समय की वड्डी क्राइम अपडेट। मिलते हैं किसी होर अपडेट के नाल। उदों तक जुड़े रहो चैनल PMA News के नाल।